क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशंस माना जाता है। आज के वीडियो में हम लोग क्रिप्टो करेंसी एंड उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में एकदम बेसिक लेवल में डिस्कस करेंगे, सो दैट एक कंप्लीट बिगिनर भी उसको समझ पाए एंड क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसीज है जो आप सबको पता है, जैसे कि इंडियन रूपी, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, जापानीज येन एक्सेट्रा, जो आप आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं आपके ज़रूरत के चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए। एंड ये नॉर्मल करेंसीज आपके पास फिजिकल फॉर्म में रहता है, मतलब कि आप उसको टच कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी भी एक टाइप का करेंसी है जो कि प्योरली डिजिटल है एंड फिजिकल फॉर्म में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वर्ड दो अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी। इन शॉर्ट, क्रिप्टोग्राफी एक मेथड है इंफॉर्मेशन एंड डेटा को एनक्रिप्ट या फिर प्रोटेक्ट करने का बाई यूजिंग प्रोग्रामिंग कोड्स। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी के नज़रिए से भी देखा जाता है क्योंकि आप इसको बहुत जगह पे एज ए पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी में कोई सेंट्रल इशूइंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इंडियन रूपी का रेगुलेटरी एंड इशू करने का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। वैसा कोई एंटिटी या फिर गवर्नमेंट के पास क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट एंड इशू करने का अथॉरिटी अभी तक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड एंड कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को इशू करने के लिए। ये पूरा क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी ही डिजिटल फॉर्म में है। अपकमिंग वीडियोज में हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के सेवरल यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एंड सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जिसको 2009 में इन्वेंट किया गया था बाय मिस्टर सतोशी नाकामोतो। लेकिन लैक ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के वजह से मिस्टर सतोशी नाकामोतो ओरिजिनली कौन है ये कभी रिवील नहीं हो पाया। बिटकॉइन को प्रिपेयर करने के टाइम पे जो ओरिजिनल कोड लिखा गया था उसके हिसाब से सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही एग्जिस्टेंस में आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि इसका सप्लाई लिमिटेड है एंड इसी वजह से बिटकॉइन इतना वैल्यूएबल भी है। आज लगभग 20,000 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। एंड बिटकॉइन को छोड़ के और जितना भी क्रिप्टो करेंसीज है वो सबको बोला जाता है अल्टरनेटिव कॉइन्स, इन शॉर्ट ऑल्ट कॉइन्स। एंड इथेरियम, जो कि बिटकॉइन के बाद मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्रिप्टो है, उसको बोला जाता है किंग ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। क्रिप्टो करेंसीज काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिजिटल रिकॉर्ड या फिर डिजिटल लेजर है जिसमें एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क में, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि बिटकॉइन में जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसका सारा इन्फॉर्मेशन एक डिजिटल ब्लॉक में स्टोर होता है। इन सिंपल वर्ड्स, ब्लॉकचेन बेसिकली डिफरेंट ब्लॉक्स का चेन है जहां हर एक ब्लॉक में उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का जो जो ट्रांजैक्शंस होता है उसका पूरा डिटेल्स, जैसे कि सेंडर, रिसीवर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, वो सब डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। पकड़ लीजिए, ए ने बी को 1 BTC यानी कि बिटकॉइन सेंड किया है एंड बी ने डी को 2 BTC सेंड किया है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। हर एक ब्लॉक का डेटा स्टोर करने का एक कैपेसिटी होता है एंड जब एक ब्लॉक फुल हो जाए तो नेक्स्ट ब्लॉक जेनरेट होता है एंड देन वो ब्लॉक में ट्रांजैक्शन का डिटेल स्टोर होना स्टार्ट कर देता है एंड ऐसा ही चलते रहता है एंड ब्लॉक्स जेनरेट होते रहता है एंड ये सारे ब्लॉक्स एक एल्गोरिदम या फिर एक चेन से कनेक्टेड रहता है, इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन उस पर्टिकुलर क्रिप्टोकरेंसी के नेटवर्क या फिर इकोसिस्टम में ही स्टोर एंड मेंटेन किया जाता है। कुछ क्रिप्टोकरेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना एक्सेट्रा, ये सब का खुद का ब्लॉकचेन है एंड जो क्रिप्टोकरेंसीज का खुद का ब्लॉकचेन नहीं है वो दूसरा क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। वी होप कि आज के वीडियो में हम लोग क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में इजी लैंग्वेज में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे पाए हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी डिटेल्स एंड एडवांस लेवल पे क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।